नमस्कार, मैं हुमांशी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन की ओर। लग्जरी हुंडई कार में 60 किलोग्राम गांजा जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। देखिए महासमुंद से ब्यूरो रिपोर्ट, आशीष गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में SP प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब, अवैध गांजा परिवहन आदि संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को निर्देश किया था। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान चेकिंग पॉइंट NH 53 रोड ग्राम रेहटी खोल में लगभग उड़ीसा की तरफ से आ रही हुंडई और कार रुकी और एक व्यक्ति उतरकर खेत की ओर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। जिसने अपना नाम सुजीत रीवा MP का निवासी बताया है, जिसकी कार से कुल 60 पैकेट से भरा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपी के पास से 2000 नगद, मोबाइल, ATM, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि जब्त किया है और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। कोमा खान को किया गया कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। देखिए महासमुंद से ब्यूरो रिपोर्ट, आशीष गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखकर विकासखंड बागबहरा के ग्राम पंचायत कोमा खान लुकुपाटी हाट बाजार को थाना प्रभारी स्टाफ और पंचायत प्रतिनिधि आशीष राव आकड़े, खेमदास मानिकपुरी, राहुल श्रीवास आदि ने बाजार बंद करने, साथ ही मास्क लगाने की अपील की। साथ ही लोगों से संक्रमण को रोकने के लिए 2 गज दूरी में रहने के लिए और हर सावधानी बरतने की अपील की। बता दें कुमाखान में लगातार पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं, जिससे कुमाखान को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।